सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक ईजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 4 में। तो दोस्तों इस जो ट्यूटोरियल जो ये ट्यूटोरियल है उसमें हम जानेंगे टूल्स के बारे में। एक्चुअली टूल्स होते क्या हैं? टूल्स वो होते हैं, टूल्स का मतलब सिंपली हम देखें तो उपकरण होता है, यानी जिनसे हम कोई भी काम करें। जैसे हमारे घर में टूल्स होते हैं, जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, नेल कटर ले लीजिए नेल्स कट करने के लिए, या फिर कोई हथौड़ी वगैरह लेते हैं कुछ पीटने के लिए कूटने के लिए। उसी प्रकार फोटो डिजाइन या ग्राफिक डिजाइन में फोटो को कट करने के लिए या फिर उसको मूविंग करने के लिए, उसे क्रॉप करने के लिए, साइज रिसाइज करने के लिए, उसे क्रॉप करने के लिए, उसी प्रकार से टूल्स होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं टूल्स की वन बाय वन। ये देखिए मैं फोटोशॉप में आ गया। फोटोशॉप में इसे प्रॉपर तरीके समझने के लिए हम कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू फाइल ले लेते हैं। मैंने कहा था कि आप फोटोशॉप में ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट्स का यूज लें तो आपके लिए काफी बेटर होगा। कंट्रोल प्लस प्रेस करके इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे, समझ में आ जाए। तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहला जो टूल आता है वो मूविंग टूल आता है। एक बार न्यू ले लेते हैं क्योंकि मैंने कहा था कि बैकग्राउंड लेयर पर हम कोई भी काम नहीं करेंगे पहले पिछले वाले वीडियो में, ताकि हम अच्छे से मूविंग कर सके, कोई भी काम कर सके। लेयर को पिछले वाले वीडियो में अच्छे से समझा दिया, वैसे आप जैसे जैसे काम कर जाओगे अच्छे से समझ आओगे। सिंपली पहले आप जो है, मैंने कहा था कि आप कलर इसमें फिल करने के लिए यहाँ से आकर आप इस टूल्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट यदि आप शॉर्टकट्स की बात करें तो आप सिंपली एल्ट बैक स्पेस की दबाकर इसमें कलर फिल कर लीजिए। ये देखिए कलर है, मैं भी कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। एल्ट बैक स्पेस की आपको दबानी है और इस तरह से देखिए आप इसे मूविंग कर पा रहे हैं। ये जो पहला मूव टूल का यूज था वो हम मूवी टूल के बारे में, इस तरह से इसे हम मूव कर पा रहे हैं। हम सारे टूल्स को एक साथ तो नहीं जान पाएंगे, अभी के लिए मैं दो टूल्स के बारे में बताऊंगा, मूविंग टूल और ये रेक्टेंगल टूल। तो जो पहला मूविंग टूल है सिंपली इसके नाम से पता चलता है, इसको मूव हिलाने डुलाने या फिर मूव करने के लिए चारों तरफ से इसका काम होता है। अब सिंपली इसको हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं, इस लेयर को डिलीट कर देते हैं। डिलीट प्रेस करके डायरेक्ट डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा था शॉर्टकट्स का ही यूज लेना है। सिंपली हम यहाँ से एक नई लेयर ले लेते हैं। देखिए ये न्यू लेयर आ चुकी है। अब जो नीचे वाला टूल आ जाता है वो रेक्टेंगल टूल। दोस्तों रेक्टेंगल टूल का जो काम होता है वो सिलेक्शन का होता है। इस तरह से देखिए ये सिलेक्शन देता है, जैसे पिछले बताया वीडियो में बताया था कि सिलेक्शन देता है हमें, जो उसकी एरिया सिलेक्ट करते हैं उसमें हम कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कलर फिल करना है, देखिए जिसमें एल्ट बैक स्पेस की प्रेस करके इसमें जो है कलर फिल कर लेता हूँ, उसको यहाँ पर रख देते हैं। सिंपली हम इस तरह से आ जाता है। और ये देखिए जो मैं नया टूल कर रहा हूँ, आप सिंपली पहले इसको कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म टूल से साइज या रिसाइज कर सकते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म टूल से, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे रिसाइज कर दिया। दोस्तों पहला जो ये रिसाइज मैंने किया है वो तो था कंट्रोल टी यानी ट्रांसफॉर्म टूल से। इस तरह से हम इसका सिलेक्शन में इसका यूज होता है। इसके अंदर आप देखेंगे, इसे अप्लाई कर दीजिए एक बार के लिए। इसके अंदर जो आपके ये एंगल जो बना हुआ है इस तरह से देखिए साइड में, तो इसका मतलब जिन जिन टूल्स पर ये एंगल्स बना हुआ है इसका मतलब है इनके अंदर इनसे रिलेटेड और भी टूल्स है। जैसे इस पर देखेंगे तो आप इसे राइट बटन क्लिक करके इनके और टूल्स है वो देख सकते हैं। जो ऑप्शन बटन है उस पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए तो जो आप देख रहे हैं ये वाला जो टूल है, जब इसके जो रेक्टेंगल है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए आप देखेंगे कि ये जो सारे के सारे टूल्स है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों टूल्स है वो इसी की प्रॉपर्टीज में है। तो इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। सिंगल रो टूल्स है, और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल्स, और ये सिंगल सिंगल रो मार्क्यू टूल, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। ये रो के लिए कॉलम के लिए है, और ये जो ऊपर वाले हैं उनके बारे में मैं आपको अच्छे बताऊंगी क्या इनका यूज होते हैं और क्या इनके मिस यूज होते हैं, क्या इनका फायदा होता है, किस तरह से ये यूज लेते हैं, टूल्स का उपयोग करना बताऊंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे टेक इजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ और आप टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन रह गया तो वाइस वैसे तो मैं आपको गहराई से समझाता जा रहा हूँ। अब जो इसके आप ऊपर ध्यान से जब आप देखेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज बारे में देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज जो नजर आ रही है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या कार्य होता है इनकी प्रॉपर्टीज का। तो इनकी प्रॉपर्टीज को जब आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो आप सॉरी सॉरी एक मिनट के लिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं
ये देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो है टूल्स। ये जो टूल्स है इसकी वो प्रॉपर्टीज है, इनका क्या क्या यूज होता है क्या क्या यूज नहीं होता। जो पहला जो टूल्स होता है वो है एड सिलेक्शन का, सॉरी न्यू सिलेक्शन का। तो न्यू सिलेक्शन के लिए हम सिंपली कुछ नहीं करते, एक बार के लिए हम न्यू फाइल लेते हैं ताकि ये अच्छे से समझा जाए। तो ये देखिए न्यू लेयर मैंने ले ली, और जब आप एक सिलेक्शन करते हैं तो देखिए दूसरा सिलेक्शन हट जाता है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए इस तरह से, जब आप एड पहले जो न्यू सिलेक्शन है उस पर क्लिक रखते हैं तो इस तरह से जो पहला सिलेक्शन है वो हट जाता है। ये देखिए सिंपली आप देख रहे होंगे ये हट जाता है। जैसे ही अगर मैं ये दूसरा टूल यूज कर लेता हूँ एड सिलेक्शन का, एड सिलेक्शन आप इसके नाम से ही जान जाएंगे, एड सिलेक्शन यानी सिलेक्शन जोड़ना। जैसे देखिए मैं इसमें सिलेक्ट करूंगा, ये देखिए इस तरह से इसमें जुड़ता जाएगा, दूसरे का यूज यही होता है। ये देखिए इस तरह से, यदि मैं इसकी साइज और बढ़ाना चाहूँ तो देखिए यहाँ से मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ये और ज्यादा साइज बढ़ चुकी है। तो ये था हमारा जो एड सिलेक्शन टूल है, टूल्स की जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में, कि रेक्टेंगल टूल की ये जो प्रॉपर्टीज है इसके बारे में। सिंपली हम कंट्रोल प्रेस करके मूव टूल का यूज करके इसे ऊपर की ओर लेकर, सॉरी हम न्यू लेयर्स में काम कर रहे हैं। तो आप सिंपली इसको जो है सिलेक्शन में पहले आप कोई कलर फिल कर दीजिए, जैसे मैं इसमें एल्ट बैक स्पेस करके इसमें कोई कलर फिल कर देता हूँ। सबसे पहले इसे कलर चेंज कर लीजिए और एल्ट बैक स्पेस की प्रेस करके इस तरह से इसमें कलर फिल कर लीजिए। मैंने कलर फिल कर लिया कंट्रोल। सबसे पहले आप इसे जो सिलेक्शन इसके चारों हो रहे हैं इसको डिसिलेक्ट कीजिए, सिलेक्शन को हटाइए। सिलेक्शन को हटाने के लिए हम सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। आप शॉर्टकट्स का ज्यादा यूज ले, सॉरी रिकॉर्डिंग के जो आप देख रहे हैं उसके कारण ये इश्यू आ रहा है। सिंपली आपको मूव टूल्स का यूज ले लेना है कंट्रोल डी प्रेस करके, और आप इसे ऊपर नीचे हटा सकते हैं। ये देखिए पहला जो टूल्स है हम उसका यूज करना सीख चुके हैं। नेक्स्ट जो टूल्स आता है हमारे वो हम नेक्स्ट लेयर्स के माध्यम से समझेंगे ताकि हम इसे अच्छे से मूविंग कर पाए। नेक्स्ट जो टूल्स आता है पहले रेक्टेंगल टूल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम सिलेक्शन के बारे में, ये एड सिलेक्शन के बारे में, और इसमें जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि हम इसमें से रिमूव कैसे करें, सिलेक्शन को रिमूव कैसे करें। इसके नाम से ही आप आसानी से समझ सकते हैं, यानी सब्सट्रैक्ट टूल। सब्सट्रैक्ट टूल का सिंपली मतलब ही आप देख सकते हैं कि क्या मतलब होता है। सबसे पहले इस पर ही क्लिक करके हम कोई सिलेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए अब इसमें से हमें रिमूव करना है सिलेक्शन, तो आप पहले इसको सब्सट्रैक्ट टूल को सिलेक्ट करें। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे ये देखिए हमें दोनों तरफ का हटाना है और जो बीच वाला है उसको रखना है। तो देखिए ये दोनों जो बीच वाला है वो हट गया और दोनों तरफ का जो है रह गया। तो इस तरह से आप इसे रख सकते हैं। और देखिए हम इतना तो इसमें से रिमूव करना चाहते हैं। ये देखिए आप देखेंगे कर्सर के साथ में जो है रिमूव माइनस का चिन्ह भी आ रहा है, निशान भी आ रहा है। तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि इसका यूज इसको माइनस में करने के लिए होता है। सिंपली हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं, कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। कंट्रोल आप एल बैक स्पेस से इसमें कलर फिल कर लेते हैं, और आप इसे सिलेक्शन को एक बार सिंपली कोई भी क्लिक करके आप इसे हटा सकते हैं सिलेक्शन। ये देखिए और सिलेक्शन वैसे आप कंट्रोल डी से हटाएं तो आपके लिए शॉर्टकट्स काफी बेटर रहेगी। तो मैंने कहा था शॉर्टकट्स का यूज ले, सिंपली इसे मूव टूल का यूज करके, हम ट्रांसफर टूल का यूज करके इसे थोड़ा साइड में इसे रिसाइज या साइज कर लेते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करके आप ट्रांसफर टूल का यूज ले सकते हैं। ये देखिए हम इसे रिसाइज कर सकते हैं, इसकी साइज ऊपर नीचे जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है इन टूल की, तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में हम समझेंगे। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर दीजिए। जो इसकी तीसरी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी तो सॉरी हमने सीख ली, जो चौथी प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम जानेंगे। चौथी प्रॉपर्टी इंटरसेक्ट टूल। इंटरसेक्ट टूल के लिए पहले आप सिंपली न्यू सिलेक्शन ले लीजिए। इस तरह से न्यू सिलेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्ट टूल सिंपली आपको क्या करेगा कि जो आपने पूरे में से जितना बचाना है वो आपको बचा कर दे देगा। जैसे मैं जितने हैं तो इसमें से आपको जितना रखना है वो आप रख सकते हैं। ये देखिए कितना आपने रिमूव कर दिया, ऊपर वाला रखना है। ये देखिए जितना आपको रखना है सिलेक्शन में उतना ही आप रख सकते हैं। जैसे एक बार के लिए मैं न्यू सिलेक्शन और ले लेता हूँ। ये देखिए न्यू सिलेक्शन ले लिया, और आप अब इसमें से आसानी से कोई और सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए चौथी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे अब हमें सिर्फ इतना ही इसमें रखना है और बाकी का सारा डिलीट करना है।
ये देखिए इतना रह गया और बाकी का सारा डिलीट हो गया। इसके लिए इसका यूज होता है सिंपली आप इसमें एल्ट बैक स्पेस करके। अब आप जान रहे होंगे कि इनका यूज कैसे करें, आपको कंफ्यूजन चल रहा होगा कि क्या यूज है यार, क्या बकवास बता रहे हैं। तो इमेज और ग्राफिक्स डिजाइन जब आप करेंगे ना तो उसमें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी इनकी, लाइंस एरोज में या फिर इमेजिंग में बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ आप इसके कारण लेयर भी सीखते जाएंगे। यदि हम लेयर्स न्यू नहीं लेते तो हम इन्हें मूव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जैसे कंट्रोल टी करके ट्रांसफर टूल्स का यूज से रिसाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके इसे सेट कर देता हूँ। तो ये इस तरह का था। चलिए समझते हैं रेक्टेंगल के दूसरे टूल्स के बारे में। रेक्टेंगल पर यहाँ पर जो आप राइट क्लिक करके ये देखेंगे, ये जो वाला जो टूल है रिएक्ट टूल, इसके रेक्टेंगल टूल तो हमने पहले समझ लिया, और ये इलिपेक्टल टूल है, इलिपेक्टिक टूल है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो ये जो सर्किल बनाने के लिए हमारे सिंपली काम आता है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। एक बार कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू फाइल ले लेते हैं हम। ये देखिए हमने न्यू फाइल ले ली और यहाँ पर कोई इसे कंट्रोल प्लस करके इसे जूम कर लेते हैं और यहाँ से न्यू स्लाइड जो न्यू लेयर है वो क्रिएट कर लेते हैं। और सिंपली ये देखिए वो जो वर्क उसके थे सारे के सारे वर्क इसमें इसमें भी इसी तरह से रिसाइज करना है। देखिए सिंपली ये हो गया। तो इस सिलेक्शन देखिए हटता जा रहा है जब हम न्यू सिलेक्शन पर क्लिक रखते हैं, और यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से हम इसमें ऐड करते जाएंगे आसानी से, बहुत ही अच्छे से ऐड हो जाएगा इसमें। आप देखेंगे ये देखिए इस तरह से इनका टूल बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ग्राफिक्स डिजाइन जब बैनर वगैरह हम बनाते हैं उनमें बहुत ज्यादा काम में आता है। ग्राफिक डिजाइन में इमेजेस में तो फिर भी ये बहुत कम आता है, लेकिन ग्राफिक डिजाइन में काफी काम आता है। पोस्टर वगैरह हम बनाते हैं ना, कोई बैनर वगैरह, तभी इसका वर्क बहुत ही काम आता है। सिंपली एल्ट बैक स्पेस की प्रेस करके इसमें कलर फिल कर लेते हैं और हम सिंपली जो है इस सिलेक्शन को रिमूव कर देते हैं। जी सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए आप इस पर एक बार के लिए क्लिक कर दीजिए, जो ये प्रॉपर्टीज लेके इस पर क्लिक कर दीजिए। आप कंट्रोल डी का यूज करें, ध्यान रखिएगा मेरे में जो रिकॉर्डिंग में है उसमें ड्राइंग स्टार्ट हो जाता है कंट्रोल डी के कारण, इसलिए मैं आपको डिप्रेस करके नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं इसे हटा दूंगा। सिंपली आप इस तरह से आ जाएगा। जब आप इसको उठाएंगे तो देखिए जो सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं, जो तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज है ये वाली, ये सिलेक्शन में से माइनस करती जाएगी। सिंपली पहले के लिए हम एक सर्किल जो सिलेक्शन कर लेते हैं, और ये देखिए उसमें माइनस हो रहा था, इसमें भी देखिए माइनस होगा। जितना इसका टूल चांद मून वगैरह ये जो है वो बनाने के लिए करते हैं, प्लेनेट्स वगैरह इनके लिए इनका यूज होता है। सिंपली देखिए मैं अभी इसमें और रिमूव करना है तो हम इतना था इसमें से रिमूव कर देते हैं। ये देखिए चांद आ गया। इसमें कंट्रोल जो है एल्ट बैक स्पेस की प्रेस करके इसमें कोई कलर भर देते हैं, कलर इसमें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कोई और ब्लू कलर ले लेता हूँ। सिंपली मून का ब्लू कलर होता है तो आप ब्लू कलर सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए ब्लू कलर आप एल्ट बैक स्पेस की प्रेस करके इसमें इस तरह से डाल दीजिए, और कंट्रोल टिप से ट्रांसफर टूल का यूज लेकर के इसे साइज या रिसाइज कर दीजिए अपने हिसाब से। ये देखिए अब न्यू जो है हम लेयर सिलेक्शन कर लेते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट के बारे में समझने के लिए। ये देखिए यहाँ से न्यू सिलेक्शन ले लिया हमने, और न्यू सिलेक्शन लेते हुए जो यहाँ पर आप चौथी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए पहले हम कोई और सर्किल ले लेते हैं। ये देखिए सर्किल सिलेक्शन ले लिया, चौथी प्रॉपर्टीज का वही वर्क है जो पिछले वाले में वर्क था। ये देखिए इंस्ट्रक्ट सिलेक्ट विथ सिलेक्शन, यानी इसके अंदर जितना आपको रखना उतना रह जाएगा और बाकी का कट हो जाएगा। तो समझ लेते हैं इसके नेक्स्ट टूल के बारे में। राइट क्लिक करेंगे और जो ये सिंगल रो मार्क टूल है उसके बारे में समझेंगे। इसका सिंपली यूज होता है रो यानी लाइन को खींचने के लिए। सिंपली एक लाइन देखिए इस तरह से आपने एक लाइन खींच दी। अब इसकी थिकनेस मोटी करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर एडिट में जाना है, और एडिट के बाद में जाने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये जो यहाँ पर इसकी थिकनेस है हम मान लीजिए इसकी थिकनेस 25 कर देते हैं, और इसका जो कलर है वो रेड कर देते हैं, ये देखिए सॉरी ब्लू कर देते हैं। ये देखिए तो अब इस पर ओके कर देंगे, और इस तरह से देखिए ये लाइन आ चुकी है, ये बहुत ही मोटी होगी। तो इसमें एडिट में करके मैं तो वापस से इसे थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ, और इसके 25 की जगह हम 10 रहने देते हैं। ये देखिए जो इसकी जो साइज है वो कम हो जाएगी, अभी मैंने उसमें जो कलर्स है वो डिफरेंट रखा था। और सिंपली इसका यूज सिर्फ एक लाइन के लिए होता है। देखिए यहाँ पर लाइन आ गई, तो जब बैनर वगैरह फ्रेम वगैरह आप बनाते हैं तो इन रो और कॉलम का यूज होता है चारों तरफ लाइन वगैरह देने के लिए। और जब ये जो नेक्स्ट टूल है इसका वो है सिंगल कॉलम मार्क टूल। सिंगल कॉलम मार्क टूल का यूज हम सिंपली
जो लाइन कॉलम है उनको बनाने के लिए करते हैं। ये देखिए, सिंगल कॉलम बनाने के लिए करते हैं, ये सीधी लाइनें खींचने के लिए करते हैं। इसकी भी हमें थिकनेस मोटी करनी है, तो उसी तरह से हम वहां पर जाएंगे एडिट टूल पर जाकर के। सिंपली एडिट टूल पर जाने के बाद हमें स्ट्रोक पर जाएंगे। स्ट्रोक पर जाने के बाद यहाँ पर टेन सिलेक्ट है, इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। मैं ग्रीन कर लेता हूँ और इस पर ओके कर देता हूँ। इस तरह से देखिए ये लाइन आ चुकी है। बहुत ही ज्यादा वर्क होती है जब फ्रेम बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, या फिर और भी बहुत सारे वर्क है। इनके बारे में वर्क में इमेज पर या पोस्टर वगैरह आपको बनाना सारा सिखाऊंगा। आप देखते रहे हमारे वीडियोज को। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम सीखेंगे अगले टूल्स के बारे में। जो हमारा सिलेक्शन टूल था वो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में जो नेक्स्ट टूल आता है उनके बारे में सीखते जाएंगे वन बाय वन करके। जो अगले टूल्स आएंगे उनको अच्छे से समझ जाएंगे। पॉलीगन टूल्स जो भी है वो सारे के सारे समझते जाएंगे। ये दो कि इतने, ये देखिए इतने सारे टूल्स होते हैं, इनके बारे में अच्छे से समझेंगे और साथ ही लेयर्स आप सीखते जाइए। पीछे वाले वीडियोस देखते रहिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए, प्रैक्टिस करते रहिए फोटोशॉप के मास्टर बनने के लिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के बारे में सीखने के लिए। बाय बाय।